वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स क्यों एन की ये फोर्टीनथ एपिसोड है एंड आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रही है क्योंकि जब भी मुझे इतनी सारी इमेज मिलती हैं और आई होप कि मैं इनको फ्रीकवेंटली बैकलॉग को जो है वो क्लियर करूँ उसके बाद कुछ सोचते हैं मैं सोच रहा था क्यू ए सेशन करने का एक लाइव आई वॉज थिंकिंग टू हैव अ लाइव सेशन तो आप मुझे बताएं कि कैसा रहेगा लाइव सेशन वुड यू बी कमिंग देयर क्योंकि मतलब मजा नहीं आएगा ना कि अगर ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। और मुझे बताएं कि बेस्ट टाइम क्या बनेगा आप लोगों के हिसाब से मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं ताकि मुझे आइडिया हो कि किस टाइम पर बेस्ट रह सकता है यूट्यूब का लाइव सेशन या इंस्टाग्राम का लाइव सेशन आई थिंक यूट्यूब का ज़्यादा बेहतर रहेगा तो मुझे बताएं प्लीज़ और इसके अंदर मैं अगेन एज ए सेट बिफोर एज वेल ये ये ई एड्रेस है इस ई एड्रेस के ऊपर आप मुझको क्यूरी सेंड कर सकते हैं उसके अंदर मैं जो मुझे समझ में आता है मैं उसके ऊपर कमेंट कर देता हूँ आप लोगों की जो सिचुएशन होती है उसके बेस के ऊपर तो आई uh, होप के जो, जो जो मैं बातें कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही हूँ वो आपको हेल्प uh, आउट कर रही हूँ अगेन uh, मैं कहूँगा कि uh, ये कोई फाइनेंशियल uh, एडवाइजेज नहीं है ये आपके जो सिचुएशन होती है जो आप लोग मुझे अपनी सीनारीओस भेजते हैं उसके हिसाब से जो मुझे समझ में आता है मैं उस पर कमेंट कर देता हूँ विदाउट फर्दर डू हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की इसके ऊपर बात करें तो पहला क्वेश्चन मेरे पास पाकिस्तान से है, और पाकिस्तान के अंदर मेरे पास ये क्वेश्चन है रिस्पेक्टेड सर स्पेशल रिक्वेस्ट काइंडली कीप माय आइडेंटिटी हिडन ओके नो प्रॉब्लम आई एम ऑलवेज लाइक दैट माय नेम इज़ आई वोंट से द नेम आई लिव इन पाकिस्तान सर आई हैव एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड अराउंडीन करोड़ एंड काइंड ऑफ कंज अबाउट इन्वेस्टिंग इट इन माई ओन कंट्री और शुड आई इन्वेस्ट इट इन द रियल इस्टेट इन द ई एंड अर्न रेंटल इनकम फ्रॉम देयर आई एम सिम्पल पर्सन एंड आई डोंट हैव एनी पी सो इट्स So I feel, uh, I feel it's difficult to live in Pakistan with honesty, doing things straightforward. I feel a secure, good future for my wife and my future kids. I should move abroad, and UAE seems to be like a good option for me, as in it's in, uh, near to my home country. However, uh, will it be a wise decision to sell my assets here in Pakistan and put them in Dubai real estate? काइंडली आई नीड योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस योर रिस्पांस विल भी हाईली अप्रिशिएटेड सो बॉस बात यह है कि आप जो बात कर रहे हैं ना इस वक्त आप बात कर रहे हैं विदाउट हैविंग एनी किड्स आप बात कर रहे हैं तो ये सीनैरी कंप्लीटली चेंज हो जाता है जब आपकी फैमिली बढ़ती है और उसके अंदर आपको यू ई में रहना पड़ता है ऑफकोर्स आई 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 वॉन्ट अज्यूम कि आप सिर्फ और सिर्फ इन सोलह करोड़ रुपये के ऊपर रिलाई करेंगे पाकिस्तान में जो आपको एसेट्स है वो सारे बेच के यहाँ लेकर आएंगे और उसके बाद पहली बात वो लाना ही इतना मुश्किल है लेकिन चले वो ले के भी आ जाते हैं तो तो वो यहाँ पर लाकर आपको आपको क्या मिलेगा उसके अंदर वन पॉइंट लेट से सिक्सटीन करोड़ के अंदर अगर इसको मैं कैलकुलेट uh, करूँ दिरहम में तो सिक्सटीन करोड़ बनते हैं तकरीबन कोई फोर्टी से कर लेते हैं तकरीबन कोई 3.2 मिलियन वैसे पैसे तो अच्छे खासे बनते हैं 3.2 मिलियन दरम बनेंगे 3.2 मिलियन के अंदर आपको अगर आप सिंपल एज एज यू सेड के आप सिंपल हैं तो उसके अंदर आपको अच्छा अपार्टमेंट मिल अगर आपको जॉब नहीं करनी फर्ज करें आपको कोई बिजनेस करना है। लेकिन वही बात है ना बिजनेस करना है तो उसके लिए पैसे चाहिए थ्री मिलियन के अंदर विदाउट हैविंग किड्स राइट नाउ आपको आपका लाइफ बहुत अच्छा मेंटेन हो सकता है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन आपको ये देखना है कि आप अगर आप सिंपल बंदे हैं ना तो फिर आप बिजनेस भी नहीं कर पाएंगे यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर भी बिजनेस बिजनेस कहीं भी आसान नहीं होता है अगर आप सिर्फ ये चाह रहे हैं कि आप रेंटल इनकम के ऊपर अपनी अपनी पूरी लाइफ गुजार दें तो वो शायद ना हो सके क्योंकि थ्री मिलियन के अंदर वंस आपने आपकी लेट से आपने एक एक अपार्टमेंट ले लिया रेंट के ऊपर बल्कि दो अपार्टमेंट ले लिए रेंट के ऊपर आपने फर्श करें दो मिलियन के दो अपार्टमेंट रेंट पे ले लिए और रेंट पे दे दिए और उनका आपको रेंट मिल रहा है फर्श करें तकरीबन कोई आफ्टर ऑल मैनेजमेंट एक्सपेंसेस निकाल विकाल कर वो तकरीबन आपको एक लाख प्लस एक लाख दस हजार धर्म साल का मिल रहा है या चलें एक लाख बीस हजार मिल रहा है तो दस हजार धर्म आपकी इनकम आ रही है प्लस आपको आपने जो वन पॉइंट टू मिलियन बचे उसका आपने एक और अपार्टमेंट ले लिया और उसके अंदर आप खुद रह रहे हैं इससे कम में भी मिल सकता है लेकिन आप खुद रह लेते हैं ये अभी बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छी कैलकुलेशन लग रही है लेकिन आगे क्योंकि आपकी इसमें सेविंग भी हो जाएगी आपकी दस हज़ार धर्म की इन, इनकम भी हो जाएगी सारी सारी चीज़ें सही है लेकिन जब आपका मसला जब शुरू होगा जब आपके बच्चे स्कूल जाना शुरू होंगे और आपने जब यहाँ पर पाँच साल छः साल गुजार दिए होंगे ना फिर आपको पाकिस्तान जाना मुश्किल लग जाएगा अभी से आपको पाकिस्तान से इतना मुश्किल लग रहा है पाकिस्तान में रहना तो फिर उस वक्त तो और मुश्किल हो जाएगा उस वक्त आपके पास इन चीज़ों को फंड करने के लिए पैसे नहीं होंगे आपको पता है यहाँ पर स्कूलिंग इतनी महंगी है कि ठीक है सस्ती भी हो सकती है लेकिन आपके पास इतने आपका इतना नेट एसेट है आपके पास तो आप आप अच्छे स्कूल में डालना चाहेंगे बच्चों को प्लस ये कि बच्चों की इंश्योरेंस होती है फैमिली की इंश्योरेंस होती है प्लस ये कि वीज़े की कॉस्ट अलग होती है ये सारी चीज़ें आपको वंस आप यू आए पहले एक दफ़ा देखें आपको करना क्या है अगर आपको बिज़नेस करना है तो पहले आपको बिजनेस केस बनाना पड़ेगा देखना पड़ेगा कि आप किस तरह से बिज़नेस में पैसे कमा सकते हैं अपना अपना रूटीन ना आ सकते हैं बहुत कुछ कर तो सकता है बंदा इतने पैसे आपके पास है तो आप कुछ ना कुछ कर तो सकते हैं ऐसी बात नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते लेकिन आप ये समझें कि यहाँ पर आ, बहुत आसान है सब कुछ तो आसान नहीं है बिज़नेस यहाँ पर भी बहुत मुश्किल है आ, मैंने बहुत सारे बिजनेस बनते हुए और गिरते हुए देखे हैं मतलब आप ये समझें कि हमने अक्सर देखा है कि कोई स्टोर एकदम से बन रहा है और बनते 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 एक, एक एक साल चला और एक साल के बाद वो उसको डिसमेंटल होते हुए देखा है तो मतलब ये समझें कि ये इस तरह की शॉप अगर डिसमेंटल हो रही है तो उसने एक डेढ़ दिर लाख दरम का अपना नुकसान कर दिया बल्कि इससे ज्यादा ही कि शायद नुकसान उसने कर दिया हो अब अगेन आपको लग रहा है कि सो सोलह करोड़ रुपये ज़्यादा हैं लेकिन ये सोलह करोड़ रुपये जब बच्चों के साथ होते हैं ना तो फिर आप के बर्नआउट होना शुरू हो जाएंगे स्कूलिंग हो गई और इंश्योरेंस हो गई और बहुत सारी और चीजें हो गई फिर रिटायरमेंट का क्या होगा आप किस तरह रिटायर होंगे मतलब बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर जो आपको देखना पड़ेगी आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप एक दफा यू आकर Uh, सारा सिनेरियो देखें कि यहाँ पर uh, कितनी लिविंग एक्सपेंस है और सिर्फ अपना लिविंग एक्सपेंस ना देखें अपने बच्चों के हिसाब से लिविंग एक्सपेंस देखें कि जब बच्चे होंगे तो उसके अंदर आपको कितने एक्सपेंस होंगे और उसको आप इस लाइफ स्टाइल को सस्टेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं आई डोंट नो कि पाकिस्तान के अंदर आपके क्या एसेट्स हैं uh, uh, अगर आप सिंपल से बंदे हैं तो आई वुड से कि आप सिंपल uh, सी बात है स्टॉक मार्केट के अंदर जाए डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स ले लें थोड़े बहुत पैसे आपको मिलते रहेंगे वहां से आप अपनी लाइफ वहाँ भी गुजार सकते हैं Uh, मुझे नहीं पता कि आप अपनी लाइफ हाउ आर यू अर्निंग योर इनकम और आर यू रिलायं कम्पलीटली ऑन दिस सिक्सटीन करोड़ तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता ना वो तो कानून का खजाना भी कभी ना कभी खत्म हो जाता है तो इसलिए uh, सिर्फ इसलिए कि आप पे आप पैसे हैं आप ये ना सोचें कि आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे और खत्म नहीं होंगे ये आई नो नो यू हैवेंट गिवेन मी द फुल इन्फॉर्मेशन तो मैं जितना पता है मुझको मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता अच्छा, है अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉ समन फ्राम द यू ई डियर वाली थैंक्स थैंक यू फॉर शेयरिंग अवेल्यूबल इन्फॉर्मेशन अमंग द मासेज एंड गिविंग अवेयरनेस टू इन्वेस्ट I am 39 years old and been live and I've been living in the in the in, in Abu Dhabi for last 5 years with my family. I have two kids 7 years and 4 years old. I, that are going to, those are going to school okay. I work in a local private company and saved around uh, uh, 400,000 dirhams plus. I don't have any liabilities and never defaulted on my payments including credit card payments. On average I save around 10 to 15,000 dirhams a month. I get two gross salaries as a bonus each year. Okay, I need your advice investing in US stocks using eToro and Sarva. I am a chart accountant and I know technical jargon of the uh, stock market and financials. I have I have invested my savings 400k in different avenues like 130k in cash in the in, in the local UAE Islamic savings bank account. Can take uh, this amount anytime emergency fund. Uh, US USD 10k in Naya Pakistan Certificate Sharia compliant one year policy. I I started this after watching your video two months ago. Paying monthly $500 to, in a local UAE bank that invests in the UAE stocks using the dollar cost averaging method. I started this portfolio before COVID and now the market value is around 26k USD. The actual cost was around 18,000 USD. Uh, USD 15,000 in a startup company with my ex senior, and the company has success successfully launched its operation. It is a high risk investment, and I can afford to lose this amount. Uh, but if it's successful, then the value of the company will be huge. Then Pakistani rupees one million in Pakistan based the insurance company that invests in PSX I'm not sure about the returns planning to liquidate the policy number six point is uh, okay then USD fifteen k recently started investing in the US non leverage stocks using eToro and have no exposure to forex crypto and crypto based companies invested in high tech companies dividend growth companies uh, low PE ratio companies and uh, little exposure to volatile stocks a few hundred dollars.

स्टॉक्स ड्यू टू दूस इन्फ्लेशन एंड एक्सचेंज the प्लीज okay. okay. uh, is फर्द uh, इसके अंदर आप ये देखें कि आपने कोई भी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किया और आपका जो पॉइंट है वो ये पाकिस्तान में क्योंकि वो uh, रुपी डिप्रिशिएशन की वजह से आपको डर है कि स्टॉक मार्केट की जो uh, जो इन्वेस्टमेंट है वो गिर ना जाए बट गुडिंग इज दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन द इ्ट मार्केट ऑफ द यू एस लेकिन उसके लिए जो आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं वो ई e टोरो है और ई टोरो आयर न मैंने पर्सनली यूज नहीं किया लेकिन uh, मैंने बहुत सारे लोगों से जो जो सुना है मैंने वो ये कि ई टोरो से बहुत बेहतर है इंटरेक्टिव ब्रोकर uh, उसके मल्टीपल रीजनस हैं जो मुझे कुछ समझ में आए एक तो ये कि आपने बोला कि आप लेवरेज uh, पे नहीं है ई e टोरो पे जो कि मैंने सुना था कि ई टोरोवरेज पर ही काम करता है लेकिन अगर नहीं करता तो इट्स वेरी गुड जो सेकंड प्रॉब्लम है यूट्यूबर के साथ वो ये कि दो मसले हैं उसके साथ एक जब वो वॉलीटिलिटी होती है मार्केट के अंदर तो वो उस टाइम पर उसकी आप रिस्पॉन्सिवनेस uh, का थोड़ा सा मसला आता है ये मैंने सुना है लोगों से लेकिन जो देखा है मैंने जो मसला वो ये कि जो वॉलीटिलिटी के टाइम पर जो स्प्रेड है वो बढ़ जाता है जब स्प्रेड बढ़ता है तो आपको पता है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन एज यू सेट यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो आपके लिए शायद मसला ना हो तो ई टोरो अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर ठीक है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं आई डोंट नो कि ई टी एफ की क्या ऑप्शन हैं ई टोरो के अंदर अगर और डिविडेंड के अंदर क्या ऑप्शन हैं अगर डिविडेंड मिलते हैं तो वो री इन्वेस्ट हो जाते हैं इन चीजों का मुझे नहीं पता ई टोरो के बारे में क्योंकि मैंने अभी तक जो जो इन्वेस्टमेंट की है और जो देखा है वो इन्वेस्टमेंट uh, जो की है वो सर्वा में की है और जो जो देखा है थोड़ा बहुत वो इंटरेक्टिव ब्रोकर को देखा है मैंने तो आप भी कंसिडर कर सकते हैं इंटरेक्टिव ब्रोकर को लेकिन आई बी को मैं हमेशा प्रॉब्लम ये होती है ई टोरो में फायदा ये है कि आप से उसमें टॉपअप कर सकते हैं ज्यादा एक्सचेंज रेट का डिफरेंस नहीं आता इंटरेक्ट ब्रोकर के अंदर अगर थोड़ी अमाउंट ट्रांसफर करनी है तो उसके अंदर ज्यादा पैसे लगते हैं आपके अच्छा इसके अलावा ये जो इंश्योरेंस प्लान की बात की थी आपने वो मैंने सोचा था कि उसके अंदर देखिये इंश्योरेंस प्लान पाकिस्तान के अंदर या कहीं भी दुनिया में जो जो कपल करते हैं इन्वेस्टमेंट के साथ वो कभी भी अच्छे नहीं होते मैंने एटलीस्ट नहीं देखा अगर आपको इंश्योरेंस लेनी है तो आप प्योर इंश्योरेंस की बेसिस के ऊपर इंश्योरेंस लें टर्म इंश्योरेंस ले टर्म लें ले। लेकिन अगर आप उसको कपल करते हैं किसी किसी इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के साथ कपल करते हैं उसके अंदर रिटर्न मैंने देखे हैं कि वो फायदा नहीं करते और वो लिक्विडेट जब करवाएंगे तब भी आपको बहुत नुकसान कर रही होगी तो आप ज़रा देख लें कि उसको लिक्विडेट कराने में कितना आपको क्या 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 ऑप्शन हैं आपके पास लिक्विडेट करने के आपने अपनी सैलरी नहीं बताई मुझे आप कह रहे हैं कि 10 से पंद्रह हज़ार धर्म आप सेव करते हैं आई थिंक आपने 10 से पंद्रह हज़ार धर्म ही बताए थे महीने के जो कि विच इज़ रीजनेबल बट बींग अ चार्ट अकाउंटेंट ऑफ थर्टी नाइन ईयर्स ओल्ड आई थिंक यू शुड बी एबल टू सेव मोर बट एनी वेज आप शायद उसमें कुछ अपना ऑप्टोमाइज करके उसको भी कर सकते हैं आपके पास अभी एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी नहीं है मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान की प्रॉपर्टी का क्या सिचुएशन है आपका आगे का क्या प्लान है पाकिस्तान वापस जाना है कि नहीं जाना है तो ये सारी चीजें हैं आप पाकिस्तान की प्रॉपर्टी देख सकते हैं अगेन मैं कहूँगा आप एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसके अंदर मैंने जिक्र किया था कि किस तरह से जो परसेप्शन है जो गलत परसेप्शन बना हुआ है कि पाकिस्तान की जो जो करेंसी डिवेल्यूशन है वो वो ओवर द रूफ है लेकिन ऐसा नहीं है अगर कंपेयर करें इंडिया की जो करेंसी डिवेलूशन है वो तकरीबन कोई थ्री परसेंट है और पाकिस्तान की कोई छः परसेंट है ये तो और ये मैं बात करूं ओवर द पीरियड ऑफ लेट से ट्वेंटी ईयर्स तो ये एवरेज आउट होकर इतनी बनती है कोई छः परसेंट के करीब तो इतनी ज्यादा डिवेल्यूशन नहीं है कंपेयर टू वॉट यू कैन अर्न फ्रॉम पाकिस्तान अगर पाकिस्तान में आप अच्छे स्टॉक्स की बात करें तो वो ऑल दो के टू से लेकर अब तक स्टॉक मार्केट का इंडेक्स तो वहीं अपनी जगह पर खड़ा हुआ है बल्कि नीचे आ गया लेकिन जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो फाइव टाइम्स सिक्स टाइम्स भी हो गए और डिविडेंड भी अलग पे किया उन्होंने तो इसलिए ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी उसकी प्रॉपर्टी उसकी जो 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 वर्थ है ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ द ऑफ द डॉलर उस सॉरी रुपी उसकी वजह से वो ख़राब हो जाएगी ऐसा नहीं है वो तो ये थोड़ा कंसेप्ट जो है ना लोगों में गलत है जो मैंने डिफरेंट वीडियोज़ में रेक्टिफाई करने की कोशिश की है आप भी इसको देखें अगर आपको पाकिस्तान वापस जाना है तो आप ये देखें कि आपको प्रॉपर्टी आपके पास है कि नहीं है और अगर नहीं है तो फिर उसका क्या करना है क्योंकि आ, चार लाख दिरहम साहब ने बोले थे ना हाँ चार लाख धरम्स बोले थे अगर ये आपकी नेटवर्थ है तो फिर उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि चार लाख धर्म के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं पाकिस्तान में अगर आपको वापस जाना पड़ता है तो आई वुड से आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि आपने यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है सर्वर के अंदर अकाउंट बना के आप उसके अंदर भी फंड कर सकते हैं लेकिन मैं क्योंकि थोड़ा सा कन्वेंशनल माइंड का हूँ तो मुझे होता है कि यार एक बंदे के पास पाकिस्तान अगर वापस जाना है तो उसके पास एक घर होना चाहिए हाँ अगर आपको फर्दर कहीं और आगे जाना है फिर एक अलग चीज है लेकिन पाकिस्तान जाने के लिए आपके पास एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो कि आपको पीस ऑफ माइंड दे सके अगर आपको पास पीस ऑफ माइंड वैसे ही मौजूद है फिर कोई मसला नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम अबू धाबी सलाम आई एम ओवरसीज पाकिस्तानी लिविंग इन दुबई सॉरी अबू धाबी एंड आई एम फ्रॉम कराची इन पाकिस्तान आई लर्न अलॉट फ्राम योर वीडियोज एंड वॉच ऑलमोस्ट ऑल अगेन एंड अगेन आई नीड योर हेल्प टू शेयर अ प्लान फॉर रिटायरमेंट बिलो इज माई आई हैव थ्री किड्स नाउ वन गोइंग टू स्कूल वन विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर एंड वन लेटर I have a lot of expenses and I am living with family. I have around 8 k saving per month, but my income not increasing and expenses keep increasing. I am afraid that in couple of years my saving power will reduce. I am 40 now. I have one plot in Bahria Paradise which is outside boundary. Currently, it's lost money. Uh, till now, no home in Pakistan. Only father's home which is shared among many family. I want to plan for my 50 years and want to retire or get financial freedom. So my family expenses, including rent and children's education, is covered from the passive income. I have around 5 million in dividend paying stocks as of now. Very nice, actually. Ki ke 5, uh, 50 lakh ke aapke paas dividend paying stocks. Hai. My family expense if move out of Pakistan today is around uh, 1.5 lakh per month, and my in my 50s inflation will be around 4 lakh ,00 per month in 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 my 50s with inflation it will be around 4 lakhs ,00 per month okay give your kind and valuable inputs okay uh, now uh, basically dekhen uh, jo aap baat kar rahe hain na ke, uh, good that you have Wo to kaam ki गुड दैट यू हैव डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स वो तो बहुत जबरदस्त आपने काम किया वो तो होना चाहिए इसके अलावा यह कि जो आपके पास पैसे हैं आप उसको डेफिनेटली जब आपने इतना कर लिया तो आपके पास पता होगा कि आपको नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट क्या चीज़ है और इसके अलावा कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन अपार्ट फ्रॉम डिविडेंड पेइंग स्टॉक आई वोंट रेकमेंड यू टू वेंचर इन टू अदर थिंग्स बाकी ये कि देखें फैमिली को पाकिस्तान भेजने का मसला ये कि आप जब भेज देंगे ना एक टाइम वंस uh, तो फिर आप ये ना सोचेंगे वो दोबारा आ सकते हैं ये वन वे ऑपरेशन होगा क्योंकि फिर उसके बाद जब स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे फिर वापस आने में एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट होगा और लोग नॉर्मली फिर नहीं कर पाते तो जब तक आप फैमिली को रख सकते हैं से के रख लें अभी भी बचा रहे हैं आपने अपनी सैलरी बताई थी हां अट्ठारह हजार रुपये दरम आपकी सैलरी है तो अठारह हजार दरम में आप आठ हजार दरम सेव कर रहे हैं थ्री किड्स विदाउट विद ओनली वन गोइंग टू स्कूल तो ये जब भी पॉसिबल है और दूसरी बात है कि आपके पास घर भी नहीं है तो ये मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो जो इस डायलमा के अंदर हैं इस वक्त के वो घर नहीं है और वो फैमिली कैसे भेजेंगे पाकिस्तान वापस तो आप मैं कहता हूँ कि पहले पाकिस्तान में घर ले लें लेकिन अगेन मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि जो पचास लाख के आपके स्टॉक्स हैं उनको बेच के आप घर लें ये आपके बड़े अच्छे इन्वेस्टमेंट है इसको आई होप कि आपको तकरीबन कोई पंद्रह बीस परसेंट के करीब आपको ये डिविडेंट भी पे कर रहे होंगे इंक्लूडिंग द प्राइस अप्रिसिएशन ऑफ द स्टॉक तो अगर इस तरह का है तो आपको घर इसको बेच के तो नहीं करना चाहिए आपको घर के लिए अलग से कुछ मेहनत करनी चाहिए और आठ हज़ार दरम इज़ अ गुड अमाउंट यानी कि अगर आप मैं बात करूँ तो लैट से एक करोड़ रुपए हाँ आप एक काम कर सकते हैं देखिए अपने आप अपना जो प्लान है ना उसको इस तरह रखें कि आपको अब आप घर लेना है आपने अच्छी इन्वेस्टमेंट की भी अब आप आपको घर लेना है घर लेने के लिए मैं कहता हूँ आपको आप ये जो गवर्नमेंट की स्कीम है रोशन अपना घर की इसमें अप्लाई करें आप एटलीस्ट एक फ्लैट ले लें भले उसमें रहें या ना रहें आप उसमें फ्लैट लेके आप उसके अंदर उसको रेंट पे चढ़ा दें या जो भी करें आपको एक पीस ऑफ माइंड हो जाएगा कि आपके पास घर मौजूद है अभी आप कह रहे हैं कि देढ़ लाख रुपए आपको जब आपको फैमिली वापस भेजेंगे तो लगेंगे तो ये डेढ़ लाख रुपए इसमें आइधर रेंट इंक्लूडेड है कि नहीं है क्योंकि मुझे नहीं पता आप कहाँ पर रखेंगे फैमिली को अगर अपने ही फैमिली में रखेंगे अपने एग्जिस्टिंग घर में रखेंगे तो वो इज इट पॉसिबल कि तीन बच्चों के साथ आप रह सकें इसलिए आप मेरे ख्याल से पाँच साल या दस साल की टेन्योर के ऊपर आप एक फ्लैट एक करोड़ रुपए तक का आप उसमें मॉर्गेज कर लें उसमें आपको आपको बहुत नॉमिनल सा रेट मिलेगा आई थिंक कोई तकरीबन कोई आई थिंक तीन हजार दरम के करीब आपको पड़ रहा होगा ये इस वक्त के दरम के रेट के हिसाब से मेरे ख्याल से कुछ इस तरह एक करोड़ रुपए को तीन हज़ार दरम के करीब बनने बनेगा ये मुझे पता नहीं मैंने मैंने अभी एक दोस्त की वो देखी थी एक करोड़ रुपए के ऊपर वो जब फाइनेंस करवा रहे थे अपनी प्रॉपर्टी तो मैंने देखी थी कि तकरीबन कोई तीन हज़ार दरम के करीब उसकी इंस्टॉलमेंट बन रही थी तो विच इज़ गुड एक्चुअली आपको एक एक बना बनाया फ्लैट मिल जाएगा जिसको आप रेंट पे भी दे सकते हैं और उसका रेंट आपको एक करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का रेंट आपको कम से कम कम से कम भी बत्तीस हज़ार रुपये आएगा तो आठ सौ नौ सौ दरम तो आपको वहां से मिल जाएंगे उसके रेंट से तो ये काम आप कर सकते हैं आई वुड हाईली सजेस्ट यू बिकॉज आपकी जो मुझे कंडीशन लग रही है उसमें किसी टाइम पर भी आपको पाकिस्तान जब जाना पड़ेगा तो आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसमें आपकी फैमिली रह सके अच्छा इसके अलावा अबुधाबी में रहते हुए आपकी आपकी जो इनकम है वो जिस जिस लेवल पर है उसके हिसाब से आप सेविंग तो सही कर रहे हैं आ, लेकिन आगे जाकर ऑफ कोर्स इसमें प्रॉब्लम आएगी अब मुझे भी आइडिया है कि यूएई में रहते हुए आपको जॉब चेंज करना इतना आसान नहीं होता है आपको मैं सर्वर टाइप की इन्वेस्टमेंट में जाने को नहीं बोलूंगा क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है और ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको इस पॉइंट पर आप मुझे नहीं पता है ये आपका जो बैरिया पैराडाइज का जो प्लॉट है इसका आप मेरे ख्याल से कुछ हो रहा है इसका इसके अंदर अगर आपने फुल पेमेंट की भी है तो आपको कहीं ना कहीं और एलोकेशन मिलेगी लेकिन ऑफकोर्स आपकी जो एग्जिस्ट जो आपने पे कर दी है प्राइस उससे ज्यादा शायद ना मिले तो इसका तो आप कुछ नहीं कर सकते इसको तो जैसा चल रहा है वो चलना होगा और फोर्टी ईयर्स की एज में आपने अभी तक घर नहीं बनाया ये एक अलग मसला है वही मैंने कहा कि आप उसके अंदर घर बनाने का जरूर सोचें ये अपना एक टारगेट बनाएं कम से कम विद इन अ ईयर आप घर खरीद लें और उसकी पेमेंट प्लान आप पांच साल का रख लें एज एट मैक्स नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम फ्रॉम सखर आई एम टेकिंग द नेम ऑफ द सिटी क्योंकि उन्होंने मुझे बोला नहीं था कि ना बताएं नाम नहीं ले रहा मैं आगे अस्सलाम वालेकुम वली भाई लास्ट मंथ से आपका चैनल देख रहा हूँ और फर्स्ट वीडियो से ही सब्सक्राइब कर लिया था वेरी गुड थैंक यू वेरी मच प्लीज़ सब्सक्राइब कर करें चैनल को बगैर सब्सक्रिप्शन के जो लोग देख रहे हैं वो सही नहीं कर रहे मेरे साथ आ, थोड़ा सा उसमें सब्सक्रिप्शन का रेट भी, भी बिल्कुल बहुत हल्का चल रहा है इसमें कोई खास ग्रोथ नहीं है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें भाई जान आई एम आई एम ओके ही इज ही इज एन अकाउंटेंट इन द प्राइवेट सेक्टर और होलसेल शॉप एक वहां पर काम करते हैं यानी कि जब भी जब भी इनकम यानी कि जब तक फिट हो इनकम आ रही है दो बच्चे हैं इनके एक साढ़े तीन साल का है और नेक्स्ट मंथ से स्कूल स्टार्ट होगा और एक बेबी डेढ़ साल का है घर अपना है अपनी सैलरी से सत्रह हजार रुपये निकाल सकता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हर मंथ प्लीज एडवाइस करें कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट करूँ ताकि रिटायरमेंट के तौर पर फिक्स इनकम मिलती रहे बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट ना रहूं अभी से ये सोच रहे हैं थर्टी टू ईयर्स की एज है और बीस साल की इन्वेस्टमेंट कर सक आ, कर सकता हूँ बीस साल तक इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ शायद थर्टी साल भी अलमीज़ान के मीज़ान इनकम इस्लामिक इनकम फंड में दस हज़ार का पोर्टफोलियो है और इस मंथ साठ हज़ार पर एनम एम मीज़ान पेंशन फंड भी ओपन करवा रहा हूँ इन शॉर्ट मैं दस हजार के स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए निकाल सकता हूँ हर महीने अच्छा इसमें प्रिंग फॉर यू फ्रॉम सक्कर अच्छा इसके अंदर आपने ये भी बताया कि आप जॉब करते हैं अब जॉब के अंदर आप ये भी देखें कि आपका जो 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 टैक्स कटता है वो आप बचा सकते हैं मैंने इस पे भी थी किस तरह से मैंने, मुझे नुकसान हुआ था जब मैंने, मैंने लिया ही नहीं था एक्चुअली तो आई बात लेकिन अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूं आपको कि आप एक खास वैल्यू अगर आप पेंशन फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप कर ही रहे हैं आपको पता ही कि आपको करना है तो आप उसमें टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं आपका जो टैक्स कट रहा है आपकी कंपनी जो काट रही है वो आपको रिबेट मिल सकती है हर साल तो डेफिनेटली uh, उस पर जाए उसको देखें कि किस तरह कर सकते हैं आप क्योंकि अकाउंटेंट uh, आप खुद अकाउंटेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए यार ये कैसे करना है इस चीज़ को uh, अपनी एच से बात कर सकते हैं या आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह करना है और जो म्यूचुअल फंड वाले हैं उनसे भी बात करें कि आपको कैसे टैक्स रिबेट मिल सकता है तकरीबन कोई फोर्टी परसेंट रिबेट मिल सकता है लेकिन आपके केस के अंदर शायद वो जब दोनों आप कर रहे होंगे तो कम से कम ट्वेंटी परसेंट रिबेट तो मिलना चाहिए अगर आप फर्ज करें आपका टैक्स साल का बन रहा है आई वुड से दो लाख रुपए बन रहा है तो अगर बीस परसेंट मिल रहा है आपको टैक्स रिबेट तो चालीस हजार रुपये आपको टैक्स बच सकता है अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स के अंदर और अपना जो पेंशन फंड है इसके अलावा आपकी एज अभी इतनी ज्यादा नहीं है और अच्छा अच्छी बात यह है कि आपके पास घर है तो मैं कहूंगा कि आप अपार्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड आप थोड़ा बहुत स्टॉक्स के अंदर भी आएं स्टॉक्स के अंदर भी इन्वेस्ट करें ताकि आपको चीज़ों का पता चले लेकिन मैं सबको वॉन्ट करता हूं स्टॉक में जाने से पहले कि अपने होश ववास के साथ जाएं ज्यादा एक्साइटेड ना हो जाएं एक्साइटमेंट में कोई भी इन्वेस्टमेंट सही नहीं होती है आप जाएँ दस हज़ार पंद्रह हज़ार बीस हज़ार पच्चीस हजार का अच्छा अच्छा ब्रोकर पच्चीस में अकाउंट खोलता है अकाउंट खोल के अच्छे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें और उसको एक साल तक अपनी लर्निंग एक्सपीरियंस बनाएं उसको आप थर्टी टू ईयर्स के हैं आपको अभी बहुत कुछ करना है आप अभी से रिटायरमेंट का सोच रिटायरमेंट का सोचना अच्छी बात है मैं ये नहीं कह रहा लेकिन आप ये भी तो सोचें ना कि आपको अच्छी इनकम लेकर आनी है अभी आपकी जो इनकम है उसको बढ़ाना है आपको आप अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हैं आप उसको अपस्किल करके अपना फर्दर और स्ट्रीम लेके आ सकते हैं इनकम की अपार्ट फ्रॉम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वो भी आप कर सकते हैं इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि आप जरूर स्टॉक मार्केट के अंदर देखें इन्वेस्टमेंट करें और हल्के हल्के करके 20 पच्चीस हजार से स्टार्ट करें और हर महीने पांच पांच हजार रुपए डालते रहें और उसको मॉनिटर करते रहे एक साल तक देखें क्या होता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम फ्रॉम समर इन पाकिस्तान

यू uh, ए में आने से पहले आपको ये पता होना चाहिए और ख़ासतौर पर रिटायरमेंट के लिए तो ये तो बड़े बड़े लोग सोचते हैं यूएई के अंदर रिटायरमेंट के लिए ये तो नॉर्मली लोग थाईलैंड वगैरह का सोचते हैं रिटायरमेंट के लिए क्योंकि वहाँ पर टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं खैर यू में भी टैक्स बेनिफिट हैं लेकिन थाईलैंड सस्ता है और आई कैन इमेजन ये सिचुएशन कि कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम्स की वजह से आप परेशान हैं लेकिन अब यहाँ पर आने के लिए आप ये भी तो सोचें ना कि आपको आपके आप मुझे आपकी फैमिली बैकग्राउंड नहीं पता कि कितने फैमिली मेम्बर्स हैं अगर आप लेट्स एज अ कपल आते हैं ओवर द एज ऑफ लेट्स फिफ्टी फिफ्टी फाइव सिक्सटी और उसके अंदर आपको यह सोचें कि इंश्योरेंस की कॉस्ट कितनी पड़ेगी सबसे बड़ा मसला मेडिकल का है यहाँ पर यहाँ पर इंश्योरेंस की कॉस्ट इतनी महंगी है अबव ऑफ सिक्सटी आपको जो अच्छी इंश्योरेंस है वो एनी वेयर अराउंड टेन थाउजेंड और अबव सोलह हज़ार बीस हज़ार पच्चीस हज़ार की इंश्योरेंस भी मैंने देखी है जो यहाँ मिलती हैं तो और एक बंदे के लिए यानी कि दो बंदों के लिए पचास हज़ार की इंश्योरेंस प्लस लिविंग कॉस्ट वैसी आ, सस्ती नहीं है मतलब अपार्टमेंट में आप रहेंगे तो आपको वहाँ पर एक्सपेंसेस पड़ेंगे वीज़ा कॉस्ट और ये वीज़ा वगैरह सब हो जाता है वो कोई मसला नहीं है क्योंकि आपको हर तरह के वीज़ा यहाँ पर अवेलेबल है कॉस्ट आप सिर्फ पैसे फेंकें और तमाशा देखें उस उस उसका नाम है ही आप यहाँ पर सारा कुछ कर सकते हैं लेकिन उसके लिए पैसे होने चाहिए आप क्या रेडी हैं लेट से दो लोगों की इंश्योरेंस के लिए मैं पचास हज़ार नहीं जा रहा लेकिन लेट से पच्चीस तीस हज़ार बीस हज़ार रुपये दरम खर्च करने के लिए हर साल एवरी ईयर और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ये कॉस्ट बढ़ेगी इंश्योरेंस की आप इसके लिए रेडी हैं इसके अलावा आप आई एम श्योर बच्चे बच्चे जाहिर सी बात रिटायरमेंट के बाद तो आप इंडिपेंडेंट हो गए होंगे बच्चे खुद इंडिपेंडेंट हो गए होंगे लेकिन अगर आप पे कोई डिपेंडेंट है तो उनका क्या करेंगे आ, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें आप इसके अलावा आप एक दफ़ा यहाँ पर आएँ यहाँ पर देखें यहाँ पर सिचुएशन देखें देखें हर साल की वीज़ा की कॉस्ट है हर साल की आपकी वीज़ा रिन की कॉस्ट है अगर आप यहाँ कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसके बिज़नेस रिनोल की आ, के लाइसेंस की रिनूअल की कॉस्ट है तो कुछ नहीं कुछ नहीं तो आप ये समझ लें कि सिर्फ वीज़ा अगर आपको रहने के लिए वीज़ा चाहिए तो आपके एक बंदे के लिए आप समझ लें कि दस बारह पंद्रह हज़ार दरम वो लग जाएंगे इसके अलावा इंश्योरेंस की कॉस्ट अगर आप एज एज ज़्यादा है आपकी तो आपको इंश्योरेंस लगेगी तकरीबन पंद्रह हज़ार दरम वो लग जाएगी तो थर्टी थाउजेंड दरम तो यही हो गए खुले रखे रखे आपके हो गए साल के इसके अलावा आपका जो रेंट होगा अगर आप सी लिविंग भी रखते हैं तो आपको चालीस हजार दरम तो रेंट देना पड़ेगा साल का फिर बिल लगा लें तो बिल आपके तकरीबन कोई बारह हजार दरम आएंगे तो आप समझ लें कि थर्टी थाउजेंड वो और बिल्स के साथ फोर्टी फोर्टी एट आप ये समझ लें थोड़ा बहुत जो खर्चा होगा महीने का वो आप रख लें तकरीबन कोई आप पाँच हजार रख लें महीने का खर्चा तो साठ वो मैं जो अभी ऐसी ओवर द टॉप ऑफ माई माइंड कर रहा हूँ तो डेढ़ लाख दरम बन जाता है ये दो बंदों का आई थिंक मतलब मैंने ओवर द टॉप ऑफ माइड माइंड किया मुझे नहीं पता किसी ने मैं, मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बताएं लेकिन डेढ़ लाख दरम आपका खर्चा आएगा वीजा की कॉस्ट शामिल है इसके अंदर इसमें इंश्योरेंस कॉस्ट शामिल है इसके अंदर आपका रेंट शामिल होगा इसके अंदर आपका जो रहने वहने का खर्चा है वो शामिल होगा तो हर साल आप ये रेडी हैं कि तकरीबन एक से डेढ़ लाख दरम लाख दरम बल्कि डेढ़ लाख दरम आप खर्च करेंगे एवरी ईयर तो अगर आप अपनी लाइफ स्पैन को समझते हैं कि आपके पास टाइम है बीस साल तो बीस साल के हिसाब से तकरीबन तीन मिलियन धरम बनते हैं जो कि ये आज की कॉस्ट है इन्फ्लेशन एडजस्टेड आप उसको बढ़ा दें और जितना भी बढ़ाना है आपको तो इस वक्त आपके पास तीन मिलियन धरम होने चाहिए तीन मिलियन दरम का मतलब है तकरीबन पंद्रह करोड़ रुपये आपके हाथ में होने चाहिए और ये पंद्रह करोड़ रुपये आपके हाथ में होंगे और ये पंद्रह करोड़ रुपये डिमिनिश करेंगे अगले बीस साल के अंदर ख़त्म हो जाएंगे अनलेस एंडल आप इससे डिविडेंड कहीं और से ले रहे होते हैं तो ये सस्टेनेबल बनता नहीं है अनलेस एंड अनटेल आपके पास बहुत अच्छी स्ट्रीम ऑफ इनकम हो या आपका बिज़नेस यहाँ पर चल रहा हो ये सस्टेनेबल है ही नहीं यहाँ पर रिटायरमेंट के लिए लाइफ गुजारना मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ देखी हैं जो रिटायरमेंट के बाद यहाँ रहती हैं और सबको जो सबसे बड़ा मसला आता है वो मेडिकल का आता है और वो जो है वो ज़ाहिर सी बात है फ्री नहीं है तो जब वो फ्री नहीं है तो सबसे बड़ा कॉस्ट वही है और उसकी वजह से ही लोग जो हैं यहाँ पर फिर यहाँ से जाते हैं तो ये सबसे बड़ा मसला है आप देख लें अपने हिसाब से जो आपको सूटेबल लगता है लेकिन मैं मैंने एक रफ सा फिगर आपको दे दिया है आप इसमें कैलकुलेशन अपनी कर सकते हैं अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं आपको अगर समझ में आती है बात तो आप आ सकते हैं अदरवाइज आप आकर एक दफ़ा ज़रूर देखें कि सिनेरियो बन क्या रहा है रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने जिक्र किया था कि किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से बच सकते हैं आप यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा हुआ है आप उसको देख सकते हैं इसके अलावा क्यों ये नहीं कि एक और रीसेंट वीडियो मैंने यहाँ पर लगाई भी है आप इन दोनों वीडियोज़ को देखें कैसी लगी वीडियो प्लीज मुझे बताइएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बाय